अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे अलसी के आटे की रोटियां बनाएंगे कीटो स्टाइल में। पहले मैंने आप लोगों को कोकोनट फ्लावर की रोटियां बनानी सिखाई थी, आलमंड फ्लावर से भी हमने नान बनाए हैं, लेकिन आज जो है वो अलसी के आटे से बना रही हूँ। अलसी के आटे को मैंने बारीक पीस दिया, ये आप देख सकते हैं। मैंने गोल्डन वाले लिए हैं जो हैं अलसी के बीज, आपको जो भी मिलते हैं वो आप यूज़ कर लीजिएगा। और इस रोटी की ये ख़ास बात है कि आपको इसमें ना तो जैंथम गम की ज़रूरत है और ना ही सीलियम हस्ट डालने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एज इट सेल्फ जो है ये बाइंडिंग जो है ना वो उसके बगैर कर लेता है, रोटी जो है इसकी बाइंड हो जाती है आराम से। तो मैं इसमें डाल रही हूँ, एक कप डाल रही हूँ अलसी का आटा। तो अब मैं इसमें डालूँगी 1 कप हॉट वाटर डालूंगी मैं इसमें। ये देखिए इसमें सारा डाल दें, थोड़ी देर बाद ये इसको पी जाएगा। इसको ज़्यादा गूंदना नहीं होता, बस आपने इसको मिक्स किया। इसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ूंगी और इसके बाद हम इससे रोटी बनाएंगे। ये थोड़ी देर बाद जो है ये जान पकड़ लेगा और आपको ज़रूरत भी नहीं है कि इसको ना आप सीलियम हस्क डालें या जैंथम गम, किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल और सिर्फ नमक और जो है अलसी के आटे से आप इतनी मज़े की रोटी बना सकते हैं। आप रोटियां बना के चाहे फ्रीज़ कर दें, चाहे आप आटा जो है वो गूंद के रख दें फ्रिज में, जैसे आपको अच्छा लगे। तो अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ूंगी, उसके बाद ये 10 मिनट के लिए छोड़ूंगी मैं इसको, उसके बाद हम इसकी रोटी बनाते हैं। ये देखें हमारा आटा रोटी बनाने के लिए रेडी हो गया। ये देखें बिल्कुल बिल्कुल भी जब हमने गूंदा था तो थोड़ा सा पतला था, अब सेट हो गया। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे, रोल करेंगे और फिर तवे पे डालेंगे इसको। चलो मैं इनको इसको डिवाइड करती हूँ। आपने इसको इतना डिवाइड करना है, इस हिसाब से डिवाइड करना है कि आपको कितनी रोटी, कितने मैक्रोज हैं आपके डेली जो हैं। जिस तरह मैं टोटल को वे करती हूँ और फिर उसके बाद डिवाइड करती हूँ पोर्शंस में, तो आप भी ऐसे कर लें तो इस तरह होगा कि आपकी जो रोटी का साइज़ है इक्वल होगा। ये नहीं होगा कि कोई 60 ग्राम की है या कोई 50 ग्राम की है, तो इस तरह आपके लिए आसानी हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं कि ये इसका जो टोटल वेट है वो कितना है। अब मैं इसको 6 पोर्शन में डिवाइड करूंगी, मैं 6 रोटियां बनाऊंगी इसकी। लेकिन आपने देख लेना कि अगर आपको चाहिए बड़ी रोटी बनानी है आपने, मतलब ज़्यादा ग्राम की, तो फिर आप इसको 3 रोटियां भी बना सकते हैं, 6 भी बना सकते हैं, टोटली डिपेंड कि आपके मैक्रोज कितने हैं। आपको पता है कि जो फ्लैक्स सीड्स हैं ये इसमें पोटाशियम कितना ज़्यादा होता है, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है और कार्ब्स जो होते हैं वो ना होने के बराबर होते हैं, तो ज़रूर अपनी जो डाइट है उसमें ज़रूर ऐड करें। आप डाइट कीटो नहीं भी करें तो भी आप इसको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड किया करें। तो चलिए मैं इनको अब बोल बनाती हूँ। इनको मैं इक्वली डिवाइड कर रही हूँ और उसके बाद मैं इनको रोल करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने 6 बॉल बना लिए, 6 पेड़े जो मैंने इसके आटे के बना लिए हैं। तो आपको अब मैं इसको रोल करके दिखाती हूँ। रोल करना मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन फिर मैं आपके सामने इसको रोल करती हूँ। रोल करने के लिए यहाँ पर मैंने बटर पेपर लिया, अपने 2 बटर पेपर लेने हैं और दोनों पे हल्का हल्का ऑयल लगा लेंगे। ओके, हल्का सा
मैं इसमें एक पेड़ा रखूँगी ऐसे, ऐसे कवर करूँगी, मैं इसको रोल करूँगी ऐसे। अब आप चाहें तो इसको इसी तरह रोटी पका लें, और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा आपकी जो रोटी है वो खूबसूरत लगे, तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया हुआ कि इसको आप काट लें किसी भी गोल शेप की, किसी भी चीज़ से, कोई भी, कोई प्लेट ले लें, कोई मतलब मोल्ड ले लें आप, तो उसको आप काटें। मैं भी आपको बताती हूँ इस तरह इसको काटना है आपने, इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये साइडों से जो है इसका उतर जाएगा ऐसे। देखिए गोल शेप बन गई। अब नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि जो साइडों से कटिंग की हुई है आपने, वो क्या करते हैं कि वो उतार देते हैं, लेकिन फिर इस तरह आपके जो आपने मेयर किया था, जो आपने वे किया था अपना पेड़ा, वो फिर कम हो जाएगा, फिर आपको समझ नहीं लगेगी कि एक पेड़े में कितने कार्ब्स हैं। जिस तरह अभी मैंने 6 बनाया है, तो इस एक पेड़े में 1 ग्राम कार्ब है, क्योंकि इसमें फाइबर ज़्यादा होता है, तो इसमें 1 ग्राम इसमें फाइबर है और 1 ग्राम इसमें कार्ब है, अगर आप इसमें प्रोटीन वाला पाउडर ना डालें तो। प्रोटीन पाउडर डालें तो फिर उसको उस हिसाब से आपने काउंट करना अपने माइक्रोस को। देखिए हमारी रोटी नाइसली रोल हो गई, थोड़ी सी यहाँ इसी तरह आप सारी रोटियाँ बना लें। और अगर आप चाहते हैं कि फ्रीज करनी है, तो इसी तरह बटर पेपर पर एक एक लेयर डालते जाएं और फिर सारी रोटियों को रोल करके आप फ्रीज कर दें, और चाहें तो पका के फ्रीज करें, चाहें तो आप इनको इसी तरह कच्चा फ्रीज कर सकते हैं। तो चलिए मैं बाकी सब को भी इसी तरह रोल करती हूँ, एक मैंने आपको दिखा दिया, तो फिर हम इसको तवे पे डालते हैं। चलिए हम रोटी पकाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने एक रोटी तवे पे डाली है, और इसको देखें किसी तरह थोड़ी थोड़ी ये फूल भी रही है, जिस तरह हमारी नॉर्मल आटे वाली रोटी फूलती है। अब मैं जो दूसरी बनाऊँगी उसके ऊपर मैं घी लगा के दिखाऊँगी कि आपको कि इसको आप पराठे की शक्ल में कैसे बना सकते हैं। मैं इसी आटे से पराठा बनाऊंगी, थोड़ा सा इसको हील कर लेते हैं। ये देखें
हमारा पराठा इतना मज़े का बना, क्रिस्पी सारा और हेल्दी भी। चाहे आप इससे पराठा बनाएं चाहे रोटियां बनाएं, एक ही आटे से आप दो चीज़ बना सकते हैं। ये देखें हमारी रोटियां कितनी मज़े की रोटियां तैयार हुई हैं। देखिए बिल्कुल ही नरम सी हैं, आप चाहें तो इससे आप रोल बना लें, और अगर आपने पराठा बनाना है तो इस पर घी लगा लें तो आपके पराठे बन जाएंगे।